की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अब सरकार का बड़ा फैसला, बंद होगी फ्री कॉलिंग मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी खबर। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स को लेकर जो है पिछले लंबे समय से चर्चाएं हो रही है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि ये ऐप्स उनके जैसी सर्विस जो है उपलब्ध करवाती है, यानी जो टेलीकॉम कंपनियां जो है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो वगैरह है, उन्होंने कहना है कि ये जो ऐप्स जो है उनकी जैसी कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इन ऐप्स पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है DOT उसने साफ कर दिया है कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, यानी इस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक जो है वो नहीं लगने वाली है। दरअसल डॉट की इस सफाई से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को धक्का जरूर लग सकता है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां चाहती है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी नियम लागू होने चाहिए जो इसके बारे में यहां पर फैसला लेने में मदद करे। भाई ऑपरेटर्स ने कहा है कि नए एक्ट में टेलीकम्युनिकेशन की अलग परिभाषा है और ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लागू यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन OTT प्लेयर्स ने इसे जो है सीधे से खारिज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा था कि पहले यहाँ पर उन्होंने कहा था कि वे पहले ही जो है डॉट जो है DOT डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन उसके नियमों का पालन कर रहे हैं। वही डॉट ने यहाँ पर कहा है कि OTT रेगुलेशन की व्याख्या साधारण नहीं है, यही वजह है कि स्टॉक होल्डर्स इसे अपने तरीके से समझा रहे हैं। कुछ समय यहाँ पर बात जो है साफ हो पाएगा कि जब सभी नियम इसमें पूरी तरह से साफ हो पाएंगे, लेकिन अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूसरा विभाग जो है उसका ऊपर कोई भी इरादा नहीं है कि वह OTT प्लेयर्स को रेगुलेट करे। दरअसल टेलीकॉम एक्ट काफी अलग है, इसमें लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है उनको कंट्रोल दिया जा सकता है। बाद में बताएं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, देखिए राजस्थान में बदला सरकार का बड़ा फैसला। देखिए अब मालदार मुफ्त में नहीं उठा पाएंगे राशन का फायदा। राजस्थान में जो है जो बदला सरकार जो है वो जो है यहाँ पर जो खाद्य योजना जो है उसमें यहाँ पर बदलाव कर रही है। दरअसल राजस्थान की बदला सरकार मुफ्त राशन योजना को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल अब राजस्थान में मुफ्त में राशन का आनंद उठाकर जरूरतमंद गरीबों का हक खा रहे मालदारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। दरअसल प्रदेश में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। इसमें कार जैसे लग्जरी वाहन का उपयोग करने वाले और इनकम टैक्स चुकाने वाले लोग भी शामिल है। विभाग ने मामले में परिवहन विभाग और इनकम टैक्स विभाग को पत्र लिखा है ताकि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें लाभार्थियों की लिस्ट से तुरंत बाहर कर असली हकदारों को योजना का लाभ दिया जा सके। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अभी जो है 4,35,00,000 प्रदेशवासियों को योजना के तहत फायदा पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में अभी काफी लोगों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ के दिए जाने के लिए आवेदन कर रखा है। उनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी तेजी से की जा रही है, लेकिन लंबे समय से विभाग इस बात की भी शिकायतें उनको मिल रही है कि ऐसे लोग बड़ी तादाद में योजना का लाभ ले रहे हैं जो आर्थिक स्थिति के लिहाज से योजना के लिए अपात्र है। वही हालांकि विभाग ने पहले ही जो है खुद लोगों को खुद आगे आकर मतलब गिव अप करने का आह्वान किया था, लेकिन जो लोग जो है सीधा है वो खुद आगे आकर कहे कि हम योजना के लिए असली हकदार नहीं है, लेकिन इस प्रयास का कोई जो है खास नजर नहीं आया। सर अब विभाग पहले उन लोगों को बाहर करने की तैयारी कर रहा है जो आयकर दाता है, फिर कार जैसे वाहन का अपना दैनिक जीवन उपयोग कर रहे हैं उन लोगों को भी बाहर यहाँ पर करेगा। तो राजस्थान में जो है ये राशन कार्ड धारकों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। जिनके घर में कार वगैरह है, इनकम टैक्स वगैरह वो भरते हैं, उन लोगों को जो है अब जो मालदार मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो फ्री राशन की योजना जो है सरकार की, उसका लाभ जो है अब नहीं मिलेगा। सरकार जो है इसको लगातार अभी बार लोगों को करने की जो है प्रयास यहाँ पर कर रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों का हुआ है ऐलान। अमित शाह ने किया है ऐलान। अमित शाह ने जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान जो है वो किया है। दरअसल बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लेकर आज केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। इस फैसले की जानकारी खुद अमित शाह ने दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पोस्ट में यह भी कहा कि लद्दाख को प्रत्येक क्षेत्र में केंद्र की हर प्रकार की सुविधा जो है मिलेगी, केंद्र सरकार हर अवसर देने के लिए प्रयास करती रहेगी।
दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को घोषणा किया कि गृह मंत्रालय ने कंसस्त प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। इन जिलों में जंस्कार, द्रास, साम और इसके अलावा जो है नुब्रा और चोंगथांग शामिल है। बताया आपको अभी तक 2 जिले ही यहाँ पर लद्दाख जो यहाँ प्रदेश का कंसस्त प्रदेश है उसका 2 जिले का यहाँ पर ही जिले उसमें थे, लेह और कारगिल थे, लेकिन अब 5 नए जिले बनने का ऐलान कर दिया गया है। बता दें आपको कि लेह में 6 और कारगिल में 4 उप डिवीजन यहाँ पर पहले थे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाल ही में एक्स पोस्ट पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुसार गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। नए जिले जिनका नाम जंस्कार, द्रास, साम और नुब्रा और इसके अलावा जो है चोंगथांग है, और हर गली में शासन मजबूत करके लोगों तक लाभ उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। तो ये यहाँ पर कुछ बड़ी घोषणाएं जो है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लेकर की गई है। अमित शाह की ओर से ये बड़ा ऐलान यहाँ पर फिलहाल किया गया है।